अपन कहाँ जा रहे हैं? भैया अपन कहाँ जा रहे हैं? रुको जरा, सबर करो भाई। आज हम लोग एक बस्तर का एक बहुत सुंदर जगह है, वाटरफॉल है वहाँ पे। हम लोग वो जगह को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। जगह का जो नाम है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये जो जगह है ना, मेरी एक रिलेटिव है देविका यादव, धमतरी की है। वो मेरे को इंस्टा पे कुछ वीडियोस वगैरह शेयर की थी, तो वो जगह को देख के मेरे को लगा कि हमको वहाँ जाके थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए, प्रकृति की सुंदरता को देखना चाहिए। तो हम लोग आज वहीं जा रहे हैं। जगह का नाम हम लोग बाद में बताते हैं, ठीक है? वीडियो में बने रहिए दोस्तों आप लोग सभी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अभी क्या है, बारिश भी स्टार्ट हो गई है, तो हम लोग रेनकोट वगैरह पहन गए हैं, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। अगर आप बस्तर के बाहर के हैं तो आपको ये जो जगह है वो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। मेरे ख्याल से लगभग बस्तर में जितने भी जो जिनको घूमना पसंद है वो लोग इस जगह पे आ चुके होंगे। आपको हम नाम रिवील वहाँ जाके ही करेंगे ये कौन सी जगह है। वीडियो में लगातार बने रहिए। फाइनली अब हम लोग ये गाँव में पहुँच गए हैं। यहाँ पर छोटा सा एक काउंटर बना हुआ है जहाँ पे घूमने वाले लोग जो आते हैं उनका नाम वगैरह एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी नाम एंट्री करवाएंगे, उसके बाद हमको यहाँ से कितना किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा? यहाँ से 300 मीटर पैदल जाना पड़ेगा हमको। चला जाओ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो अभी हमको इसको पार करना है। फिर पार करते हुए हम उस पार जाएंगे। लगभग यहाँ से 300 मीटर हमको जाना है आगे। फिर आगे मैं पकड़ लेता हूँ, दिखा। चलो जंगल और खेतों से पानी बह के जो आ रहा है वही हमारे उस वाटरफॉल में जाके गिरेगा। तो अभी आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा यहाँ से दिख रहा है। तो आगे बने रहिए, वाटरफॉल का नज़ारा देख के आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हमको ये जो पानी जो बह रहा है उसको पार करना है, और पानी इतना ज़्यादा बह रहा है कि थोड़ा दिक्कत तो हो सकता है। जिस झरना का बात कर रहे थे वहाँ पे पहुँच गया है। तो ये झरने का नाम है पैरीगुंडा, और ये झरना बीजा कसा वाटरफॉल के नाम से फेमस है। असल में बीजा कसा ये जो गांव है उसका एक पारा का नाम है। इस झरने का नाम है पैरीगुंडा। अभी मैं आपको झरना दिखा रहा हूँ। ऊपर से दिखेगा
अभी जो अपन व्यू दिखा रहे थे वो ऊपर से ही दिखा रहे थे, अभी कोशिश करेंगे नीचे से पूरा ऊपर तक दिखाने की। हम लोग अभी नीचे का जाने का तो रास्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लोग तलाश कर रहे हैं, अगर नीचे जाने का रास्ता मिल गया तो कोशिश करेंगे दिखाने। नीचे से हम आपको झरने का जो एक्चुअल व्यू है वो आपको दिखाएंगे, जो कि देखने में ज़्यादा ही आकर्षक लगता है। तो वीडियो में बने रही हमारे साथ, हम लोग अभी ट्रैकिंग कर रहे हैं, उसके बाद देखते हैं रास्ता मिल गया तो नीचे जाएंगे। लिए तो हम लोग पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, रास्ता हमको मिला नहीं लेकिन हम अपना रास्ता बना रहे हैं। अगर देख सकते हो कितना ढलान है, पत्थर बहुत ज़्यादा है, पत्थर में फिसलन है। तो फाइनली हम लोग अब नीचे आ गए हैं, अब हमको साइड साइड जाना है झरना की तरफ, बहुत ही मशक्कत करना पड़ा हमको, हालत काफ़ी टाइट हो गई है, देख ही सकते हो क्या हालत हो गई है, बहुत ही ज़्यादा नीचे आना पड़ा हमको, पत्थरों में फिसलन ज़्यादा है। और हमारे देवेश भाई आगे चले गए हैं। Perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your finally, बहुत ज़्यादा मशक्कत करने के बाद हम लोग झरने के पास पहुँच गए हैं। हम लोग को मेन वर्सेस वाइल्ड वाला पूरा एपिसोड याद आ गया, कितना मेहनत लगता है आज पता चल रहा है। हाँ, अभी आपको मैं झरना का पूरा सीन दिखाऊंगा। नीचे से इतनी बरसात के मौसम में हम नीचे में इतने फिसलन में हम पहुंच गए हैं। Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from there. So finally, our today's mini vlog was. So finally, today's our adventure vlog was complete. जो वाटरफॉल था उसके नीचे तक तो हम गए थे, लेकिन वहाँ पे हम अपना जो DSLR कैमरा है वो यूज़ नहीं कर पाए, क्योंकि जो झरना का जो फुहारा था वो बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो कैमरा का लेंस ख़राब हो जाता है या कैमरा ही ख़राब हो जाता है। तो जितना भी हो सका हम लोग मोबाइल से वीडियो बनाए हैं, मोबाइल का वीडियो तो आप देख ही चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप बस्तर से बाहर से हैं, कांकेर जिला से आगे या फिर कहीं और से, तो एक बार यहाँ बीजा कसा वाटरफॉल एक बार ज़रूर विजिट करना, बहुत ही अच्छा जगह है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में या कोई न्यू ब्लॉग में। बाय बाय।